तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एंड ओरल्स। तीन चार पांच जितनी रिएक्शन हो जाएंगे करने की कोशिश करेंगे। पहली रिएक्शन है हमारी फ्रॉम हेलोल्केन्स। जैसा बोर्ड बोल रहा हूं मैं ऐसे भी सुधार लेना, ये आपके नोट्स है, ठीक है ना। फ्रॉम हेलोल्केन्स, हेलोल्केन्स आर ट्रीटेड विथ aqueous NaOH, KOH और silver hydroxide। इसको फिर आप moist silver oxide लिख देते हो, मतलब चाहे ये लिखा हुआ है चाहे ये लिखा हुआ है एक ही बात है, समझ रहे हो ना लिखने के तरीका। तीनों में से कोई भी reagent यूज कर सकते हो। halogen जो होंगे उनमें से halogen रिमूव हो जाएगा और OH आ जाएगा। पिछले चैप्टर की भाषा में बोलूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा। इतना सा काम है। रिएक्शन सबसे पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। हेलो एल्केन है RX, NaOH, KOH, जो भी आपका मन करे मैं NaOH डाल रहा हूं। एक्वस कंडीशन है, थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है, 80-90 डिग्री तक जाना पड़ता है, तो हल्का फुल्का हीट करेंगे होगा क्या, ये NaX रिमूव हो जाते हैं, R और OH आपस में जुड़ जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं, किससे, हेलोल्केन से। अब देखो कहने को तो ये जनरल रिएक्शन है, लेकिन इस जनरल रिएक्शन में हमने सारी बातें कर ली, हमने एक कार्बन वाला कंपाउंड भी ले लिया होगा, हमने 10 वाला कंपाउंड भी ले लिया, हमने स्ट्रेट चेन भी कंसीडर कर ली होगी और हमने ब्रांच वाली चेन भी कंसीडर कर ली होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सिंपल से सिंपल चेन भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चेन भी हो सकती है, लेकिन हमें उस चेन को छेड़ने की, हमने उस चेन को OH के साथ एज इट इज स्प्लिट कर देना है। आर का भाई यहाँ पे कोई खेल ही नहीं है, यू अपन किसको करना है, एक्स को किसके साथ, सोडियम के साथ, तो वो चीज जरूर, समझ रहे हो ना। ये NaX यहाँ पे रिमूव हुआ था तो ये साइड में आप लिख सकते हो, साइड में लिखना तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है ना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हैलोजिनेशन भी तो सेम ही है, हैलोजिनेशन सेम ही रिएक्शन, सेम रिएक्शन की होगी, उसमें आप क्या कर रहे थे, HCl वगैरह ऐड कर रहे थे अल्कोहल के साथ, तो मैंने बताया था कि बेस्ट प्रिपेयर होते हैं हैलोजन से, अल्कोहल जो होते हैं वो बेस्ट प्रिपेयर होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। उसके बाद इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल, अब पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने सपोज करो ये वाला कंपाउंड ले लिया, क्या है इसका नाम, 2-chloropropane, रिएक्शन करवा दी एक्वस KOH के साथ, थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ेगा, तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, KCl रिमूव हो जाएगा, एज इट इज OH आगे जुड़ गया, तो आप देखो ना चेन को मैंने छेड़ा कि चेन एज इट इज, अभी चेन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सिर्फ हैलोजन हटा के OH लगा दिया, पहली रिएक्शन होगी, एक प्रिपरेशन हमने कर लिया। नहीं बस मैं रिएक्शन कंप्लीट लिख रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है जी सर। ये हमारी पहली प्रिपरेशन सर, तीनों एक्वस होने चाहिए ऊपर ये एजेंट सर। हाँ जी तीनों एक्वस होते हैं, पानी वाले होते हैं, ये मॉइस्चर का मतलब ये है कि यहाँ पे मॉइस्चर है पर मॉइस्चर का मतलब पानी हो गया, ठीक है ना, तो तीनों के तीनों एक्वस है। अल्कोहलिक में क्या होता है, अल्कोहलिक में इसको नशा हो जाता है, पता नहीं चलता, एलिमिनेशन कर देता है, तो वहां पे एल्कीन बनता है, मैंने बताया था, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना। पहली प्रिपरेशन हो गई, दूसरी प्रिपरेशन लिखोगे इंपॉर्टेंट फ्रॉम एल्कीन्स। सर आपने एक ही नाम लिखेंगे, हमारा तो लिखा ही नहीं, हमने बोला था ऐसे ऐसे क्रिया रखो, प्रोपेन वाह टू, ये लो जी तीन कार्बन है तो प्रॉप
सिंगल बॉन्ड है तो एन OH जो है वो दूसरे पे आ रहा है इस तरह अभी बना लो इधर मैं देख रहा था एक साइड चल जाता है ना नहीं नहीं दोनों साइड बढ़िया किया ना मैंने लिख के अगर एक साइड चलता तो मैं बोल देता नीचे तो ये समझ में आ गया होगा कॉमन नेम भी लिख सकते हैं हां जी लिख सकते हैं यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं जब आपसे स्पेशली पूछा जाएगा तब आपको देखना है आईयूपीएससी पूछा या कॉमन पूछा है प्रेफर आईयूपीएससी करना प्रेफर आईयूपीएससी करना क्योंकि कंपाउंड वो आपको कोई भी बनाने के लिए दे सकते हैं तो वो सिंपल भी हो सकता है टेक्निकल भी हो सकता है नहीं नहीं आपको मैंने बताया था जब भी आप रिएक्शन करते हो तो आप कोशिश किया करो कि सारी बातें जो है वो टीचर को बता सको अब सारी बातों में नेम भी आएगा अगर आपको दोनों का नेम पता है तो लिख दो अगर दोनों में से किसी एक का नेम पता है फिर दोनों मत लिखो समझ रहे हो पहली ट्राई तो ये रहेगी पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करो रिएक्टर कौन है प्रोडक्ट कौन है कैसे बना फिर अपने पास चांसेस होती है आप नेम स्किप कर दो दोनों बड़ी बात ठीक है ना लेकिन लिखने हैं तो दोनों लिखने हैं आधी इन्फॉर्मेशन दिया एक का एक का छोड़ दिया ठीक है सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म एक्चुअली और मैकेनिज्म सिलेबस में है तो पेपर में काफी बार पूछा जाता है ठीक है ना फ्रॉम एल्कीन्स लिखोगे एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ strong mineral acid कौन सा ले रहे हैं आपको strong mineral acid यहाँ पे H2O4 that is sulfuric acid to form alcohols नहीं इस reaction के लिए fix है H2O4 alkenes are treated with water in presence of strong mineral acid H2SO4 to form alcohol आपने किया क्या एल्कीन की रिएक्शन करवा दी पानी के साथ तो आप एल्कीन के अंदर पानी ऐड करेंगे इसलिए लिखोगे दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन Hydration of alkenes. ठीक है अब देखो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के अराउंड लेफ्ट में भी कार्बन चेन हो सकती है राइट में भी कार्बन चेन हो सकती है तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन चेन आ रही होगी ना हो सकता है दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हो लेफ्ट में भी दो राइट में भी दो लेफ्ट में तीन राइट में तीन हो सकता है दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो लेफ्ट में दो आ गए राइट में चार आ गए मेरे कहने का मतलब ये है एल्कीन आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है अब सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन हम इजीली कर लेंगे लेकिन जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल होता है तो एडिशन के लिए आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं मार्कोनी का रूल फॉलो करते हैं नाम याद रखना एडिशन के लिए मार्कोनी का एलिमिनेशन के लिए सेल्सर मतलब दोनों का सेम ही है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेकिन नेम अगर आप बोलोगे ना यहाँ पे मैंने सेल्सेफ रूल लगाया वो गलत हो जाएगा सेल्सेफ रूल एलिमिनेशन के लिए रखते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल को एल्कीन के अंदर ऐड कर रहे हैं तो ये आपका सेकंड पॉइंट आएगा फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एडिशन ऑफ water molecule takes place in accordance with Markovnikov rule अब ये rule मैं explain नहीं करूंगा this rule states that ये आप कर चुके हैं पिछले chapter तो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे इसका यूज करेंगे नहीं अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ओवरऑल चैप्टर देखना सर पेपर में तो बताना पड़ेगा तो अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो मत बताना रिएक्शन में मत बताओ वो स्पेशल पूछेगा तो बताओ डिफाइन या स्टेट मार्क करने का बोल तब बताओ अदरवाइज
अदरवाइज सिमेट्रिकल में क्या होगा, सिमेट्रिकल में आपको यह करना होता है कि जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जब दो साइड कार्बन चेन सेम है तो दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम आ रहे होंगे, आप किसी मर्जी पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जांपल दूंगा भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे रिएक्शन के पार्ट हो गए। अब आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि अभी रिएक्शन की वैलिडिटी चेक करनी है, रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे सिंपल एल्कीन कौन सा है, इथीन। इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर। वाटर को मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि रिएक्शन समझानी थोड़ी इजी रहे। HOH किसकी प्रेजेंस में ऐड करना है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, दैट इज H2SO4। अब क्या करोगे देखो, अरे दो मत कर लेना मोबाइल, तो यहां पे देखो एक बार, एल्कीन के अंदर पानी ऐड किया, पानी ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड H2SO4, तो होगा क्या, पानी को आप कंसीडर कर लो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहां पे जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ललित, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कार्बन पे शिफ्ट कर दो। किस कार्बन पे शिफ्ट करूं, अभी दोनों सिमेट्रिकल है, किसी पे शिफ्ट कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर। सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, दोनों सिमेट्रिकल है। तो किसी मर्जी को मान लो पॉजिटिव, किसी मर्जी को मान लो नेगेटिव, जिसको नेगेटिव मानोगे ना उसको इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, मतलब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो चुकी है सिंगल बॉन्ड में, एक कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव। अब क्या करना है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कर दो अट्रैक्ट, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो CH2 पॉजिटिव के पास OH आ गया, CH2 के पास आ गया OH, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गई सिंगल बॉन्ड में, CH2 के पास हाइड्रोजन आ गया, बन गया CH3। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया इथीन, इथीन से बन गया इथेनॉल। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, बड़ी आसान लगती है रिएक्शन जब सिमेट्रिकल केस करते हैं, सिमेट्रिकल में कोई टेंशन नहीं है, एक कार्बन को हाइड्रोजन देंगे और दूसरे कार्बन को OH देंगे, काम खत्म हो गया। सिमेट्रिकल में देखने की जरूरत ही नहीं है चेन कैसी है कैसी नहीं है, एक को हाइड्रोजन दो दूसरे को OH, काम खत्म। अब अगले एग्जांपल देखो सर, ये तो अभी मैकेनिज्म भी करवा गया। नहीं नहीं मैकेनिज्म भी करवाया, ये तो मैंने सर आपको याद रखने का तरीका बताया। एक्चुअल में पानी पे बड़े बड़े पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, तो एक्चुअल में जो होगा मैकेनिज्म में बताएंगे, ये तो याद करने का तरीका है। और एग्जांपल देखो, अब मैं अनसिमेट्रिकल वाला एग्जांपल ले रहा हूं, अनसिमेट्रिकल वाला, ये लो, ये मेरे पास सारा एग्जांपल है, 2-methyl prop 2-ene, ये मेरे पास मेरा एल्कीन है, इसमें मुझे H2O ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर को ऐसे लिख लेता हूं HOH। अब रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव, OH है पार्शियल नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट देख लो, ये दोनों कार्बन सिमेट्रिकल नहीं है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दो मिथाइल है, तो दोनों साइड पे सेम कंफिगरेशन तो नहीं है, तो यहां पे एडिशन कैसे होगी, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है हमें, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल goes on that कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाला देखना है, इसके पास इतने हाइड्रोजन है दो, इसके पास जीरो, कम किसके पास है, इसके पास है, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा। अगर नेगेटिव इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव इसके पास जाएगा, पार्ट इसके पास, तो ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 2-methyl
प्रोपेन टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में रिएक्शन को ऐसे करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रट्टा। अब इसका कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, कंसेप्ट होता है कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी। आपके पास डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन में, अगर आप इसको कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये बनेगा प्राइमरी, इसको कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये बनेगा टर्शियरी। प्राइमरी और टर्शियरी में से स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी। तो इसको पॉजिटिव बनाओगे तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव के साथ क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि एच। तो मैंने तो हाइड्रोजन ही छोड़ा, पॉजिटिव के साथ क्या छोड़ोगे, नेगेटिव, यानी कि OH, मैंने भी वही छोड़ा। तो चाहे कंसेप्ट लगाओ चाहे रट्टे वाला मार पाने का रूल, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा एग्जांपल था हाइड्रेशन ऑफ एल्केन का। अब अपने को करना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपको इस रिएक्शन के लिए भी शो कर सकता हूँ, इसके लिए भी शो कर सकता हूँ। मैं आपको मैकेनिज्म शो करूंगा सिंपल रिएक्शन के लिए। आपको भी जब पेपर में मैकेनिज्म करना होगा तो सिंपल रिएक्शन के लिए करना, क्योंकि अभी आप कर रहे हो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस। जितना मुश्किल आप रिएक्टेंट लोगे आपका मैकेनिज्म जो है वो उतना टिपिकल हो जाएगा। फिर आप एरो वगैरह लगाने में आपके वहीं पर सारी कहानी खत्म, ठीक है ना। तो मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल लूंगा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल का मैकेनिज्म मैं आपको शो कर दूंगा। बुक के अंदर आधे पेज का मैकेनिज्म बताया हुआ है, तीन लाइन का मैकेनिज्म है, तीन लाइन का। वो भी मैं क्या करूंगा, एक लाइन में एक रिएक्शन दिखाऊंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि बहुत सारी रिएक्शन दिखा रहा हूँ तीन लाइन में भर दी, ऐसा कोई काम नहीं है। एक रिएक्शन लिखूंगा एक लाइन में, तो तीन स्टेप है मैकेनिज्म हो जाएगा। तो मेरे वाला मैकेनिज्म फॉलो कर लेना, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। लिखोगे मैकेनिज्म सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं, अच्छा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ऊपर वाली तो लिखोगे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एसिड। प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्सप्रेस देगा, मतलब आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन में आपने किया क्या, एल्कीन के अंदर पानी छोड़ दिया, फिर ये एसिड आप डाली क्यों रहे हैं। तो एसिड यहां पे बिहेव कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। अब यहां पे मैं कैटलिस्ट को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा हूं, लेकिन रिएक्शन खत्म होने से पहले पहले कैटलिस्ट को उसका H+ वापस दे दूंगा। तो इसका मतलब H+ लिया, रिएक्शन खत्म होने के बाद H+ वापस कर दिया, इसका मतलब H+ यूज ही नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो यही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। पहले स्टेप में क्या करना है, प्रोटोनेशन ऑफ एसिड कर दो। H+ तो 4 है, जब ये आयनाइज होता है तो क्या होता है, H+ और HSO4 नेगेटिव, तो ये एसिड से मुझे H+ मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ निकालना, ये H+ है, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब H+ ने अपन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बचा क्या, इसलिए इसको प्रोटॉन बोल देते हैं। तो प्रोटोनेशन होता है H+ बनाना, प्रोटॉन बनाना। ये कैटलिस्ट की तरह ये पूरा, इसने अपने H+ दिया, अब सारा काम H+ करेगा, समझ रहे हो ना। ये चीज सेकंड स्टेप है एडिशन ऑफ H+ टू द एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो मैं आपको बारी बारी बोल रहा था, यहां पे भी मैंने बोला कि अगर रट्टा मारोगे तो मार्कोनी को रूल, अगर कंसेप्ट भी जाओगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी।
तो कई बच्चों को यह भी समझ में आया होगा कि सर कार्बोकैटायन क्यों बोल रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा। हमारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर जोर दे रहा था। अगर आप मैकेनिज्म ना करके आपको रट्टा मारना पड़ता, भी सर ने बोला था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो वही याद करनी है। उसका रीजन मैकेनिज्म में बनता है, तो मैकेनिज्म आपको रीजन देता है रिएक्शन से, समझ रहे हो ना? मैकेनिज्म से आपको तरीका पता चलता है। तो आप कितनी मर्जी हाई क्लास में चले जाओ, आप एमएससी भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, इनऑर्गेनिक के मैकेनिज्म आपको नहीं करवाए जाते, रट्टा ही मारना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक के करवाए जाते, ठीक है? तो हमने क्या करना है, ये जो एच प्लस निकला है इसमें ऐड करेंगे एल्कीन में, क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। स्टेप लिख रहा हूं, एक बार आप मत लिखना, पहले देखो, क्योंकि मैं गलत भी लिखूंगा सही भी लिखूंगा, आपको सिर्फ कौन सा लिखना है सही वाला, मैं दोनों इसमें लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अच्छा वैसे लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल एल्कीन ले रहा हूं, एक बार मैं समझा देता हूँ, देखो एक बार देख लो, लिखना मत भी। सपोज करो ये एग्जांपल है, मैं इथीन ले रहा हूं, मैं प्रोपीन ले रहा हूं, ये अनसिमेट्रिकल, इसमें क्या ऐड करना है? एच प्लस। अब ध्यान से जो बच्चे मैकेनिज्म में गलतियां कर लेते हैं टेस्ट के अंदर, वो देखो, डबल बॉन्ड H प्लस, दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसके पास है? डबल बॉन्ड के पास, इसके पास तो है ही नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? डबल बॉन्ड के पास। किसी बच्चे ने बोला सर सिंगल बॉन्ड के पास भी है, तो अगर सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, वो तो काम खराब हो गया, मॉलिक्यूल खराब नहीं करना अपने को, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा। वैसे भी आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड में साइड वेज ओवरलैपिंग होती है जो बहुत ही कम होती है, इसलिए वो टूट जाती है। तो इसलिए आप सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, आप क्या तोड़ेंगे? पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? अब पहली बात तो ये होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं जाता, समझ रहे हो ना? मैं मंगलवार को सालासर मंदिर गया, सालासर मंदिर में मैंने माथा टेका, प्रसाद बांटा, मैं बाहर आया, तो बाहर वो कुछ लोग होते हैं लाइन लगा के बैठे होते हैं, उन्हें पैसे या प्रसाद देने के लिए मुझे उनके पास जाना पड़ा, वो खुद से उठ के नहीं आए मेरे पास, मुझे जाना पड़ा, तो मांगने वाले वो हैं लेकिन वो मेरे पास नहीं आए, देने वाला गया उनके पास, समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से याद रखो, इलेक्ट्रॉन मांगने वाले के पास जाएंगे हमेशा, कभी भी मांगने वाला नहीं आएगा तुम्हारे पास, मांगने वाला कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या बोलेगा? आके देके जा, एक तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऊपर से, आके देके जा, आप अभी आ रहे हैं, गुस्सा कर ही नहीं सकते, जाना पड़ेगा। तो ये याद रखो, ये दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के पास, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते। चलो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, डबल बॉन्ड टूटेगी, हाइड्रोजन जाएगा, या तो इसके पास जाएगा हाइड्रोजन या इसके पास जाएगा। अगर हाइड्रोजन इसके पास गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, और अगर हाइड्रोजन इसके पास गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव। कुल मिला के बात इतनी है, दोनों में से एक को मिलेगा हाइड्रोजन और दूसरे को पॉजिटिव चार्ज, मुझे नहीं पता किसको क्या मिलेगा, मैं दोनों केस बना रहा हूं। तो या तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी होगी या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी होगी, सही है? मैंने क्या किया, मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया, एक एच था दो हो गए, अगर इसको हाइड्रोजन दूंगा तो इसको क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस, मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया, अगर मैं इसको हाइड्रोजन दूंगा तो इसको क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मेन में आपको यह बताना चाहता था, दो तरह के कार्बोकैटायन बन सकती है, अब सही कौन सा है, नीचे वाला या राइट वाला? राइट वाला कितने जने बोल रही है? ये वाला कार्बोकैटायन सही है, ये वाला कार्बोकैटायन सही है, जाको मोहन प्यारे, राइट वाला, और नीचे वाला कितने कह रहे हैं? चलो मैं गलत था, राइट वाला सही है। राइट वाला क्यों सही है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये कौन सा कार्बोकैटायन बनाया? सेकेंडरी। ये कौन सा बनाया? स्टेबल कौन सा होता है? तो किसको प्रेफर करोगे? हाँ जी,
सेकेंडरी को नेगेटिव पार्ट देती है, मार्कोनी का रूल, वो भी रट्टे में ये बताया मैंने, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आप नेगेटिव उसी को दोगे ना, तो पॉजिटिव सेकेंडरी में लाना पड़ेगा तभी तो स्टेबल बनेगा। कार्बोकेटायन्स की स्टेबिलिटी, यहाँ पे कंसेप्ट आया, यहाँ पे रिएक्शन आपने भले रट्टे से की हो लेकिन मैंने कंसेप्ट प्रूव कर दिया। समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था, पर आप स्केल मैकेनिज्म कर दी रहे, आप कर रहे थे जीन के लिए, जीन का आपको दिखा देता हूँ, उसमें इतनी माता बच्ची नहीं है। ये लो हमारा ये रहे, इसको H प्लस दिया, डबल के इलेक्ट्रॉन गए, एक को दे दो हाइड्रोजन और दूसरे को पॉजिटिव चार्ज, तो एक को दे दिया हाइड्रोजन दूसरे को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, क्या बन गया, यही अपना सेकंड स्टेप था, एडिशन ऑफ H प्लस कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन सेकंड स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो एसिड से H प्लस उधार लिया था वो उसको वापस कर देंगे। सॉरी गलत है ये, रुको रुको, OH को जोड़ेंगे आप पानी, OH के भी नहीं, तो एडिशन ऑफ वाटर, फिर रिमूवल ऑफ H प्लस, पहले पानी छोड़े फिर H प्लस निकालेंगे, पानी तो अपने छोड़े नहीं था, तो एडिशन ऑफ वाटर रिमूवल ऑफ H प्लस, सेकंड स्टेप हो गया सबका, फाइनल देखो, तो ये है हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव, इसमें मुझे क्या जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। अब बताओ एक बार ध्यान दो, एरो जो है वो राइट से लेफ्ट आएगा या लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, क्या बना हमारे पास CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक बार देखो, पहले पूरा प्रोसेस समझो, जब ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे कार्बन के पास तो कार्बन के साथ भी कौन बनाएगा, ऑक्सीजन ही बनाएगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन गए तो वही बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने कार्बन के साथ किसकी बॉन्ड बनाई, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को बॉन्ड पेयर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़े, ऑक्सीजन को तो नुकसान हो गया, पल्ले से इलेक्ट्रॉन लगे हैं, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, उसने कार्बन का दुख तो कम कर दिया लेकिन उससे खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए, उसमें खुद पे लॉस आ गया, तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज, कुर्बानी दी, लेकिन आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन के लिए, आपको ऑक्सीजन बड़ा भला इंसान लग रहा होगा, नहीं है, कहता मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, मैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूं, मेरे पे पॉजिटिव नहीं आता, मेरे पे तो नेगेटिव आता है, तो वो अपना गुस्सा किस पे उतारेगा, कहता तेरे में छोड़ रहे हैं लादरे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया हाइड्रोजन का भी ले गया, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा एज एच प्लस, जो उधार लिया था वो वापिस कर दिया, ये अच्छे। एरो को ध्यान से देखो, मैंने बोला हाइड्रोजन चला गया, उसके लिए एरो मैंने अलग से लगाया, वो सब कुछ चीजें देखा करो, सारी चीजें जरूरी है। इस वाले एरो को ध्यान से देखो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के पास, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड के पास नहीं गया, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाओ कि ये पॉजिटिव चार्ज के हैं। हाँ जी, तो ये मतलब चीजें याद रखो, ये बेसिक बारी बारी की पीढ़ी होगी, ये मैकेनिज्म है। अब बुक में देखोगे काफी बड़ा दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, पानी को हाइड्रोनियमाइन बनाया हुआ है इसको, उसके बाद रिएक्शन करवाएंगे, फिर टिपिकल केस है, इससे करोगे इजी हो जाएगा, मैकेनिज्म फिक्स नहीं होता, आप ये मत कहना कि बुक वाला लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, सही लिखने के नंबर मिलते हैं, सही लिखने के, बुक वाला लिखने के नंबर नहीं मिलते, ये सही मैकेनिज्म सर, ठीक है ना, बेफिक्र होकर करो सर, वो जो सेकंड स्टेप है सर, उसमें CH2 के ऊपर सर अगर वो बॉन्ड चले जाते सर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था जी, तो सर फिर पॉजिटिव उधर H चला जाता उसके पास, तो सर वो भी स्टेप भी सही है क्या, वो भी सही है, पर उसमें वो तरीके से होता नहीं है ना,
अपने आप कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, मेरी बात सुनो, एल्कीन मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है, तो उसमें पड़े पड़े इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे इस पे? जब डबल बॉन्ड स्टेबल है तो वो क्यों टूटेगी? नहीं टूटेगी ना, उसको तोड़ने के लिए किसी को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप हाइड्रोजन को लेके आएंगे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब डबल बॉन्ड टूटेगी। तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, जब मैं आपको सिखा रहा था, मैंने ये बोला इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्यों दे दें, कोई रीजन भी तो होना, तो ये रीजन है। तो मैकेनिज्म में आप रीजन स्पेसिफाई करते हो, पहले तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, तो उसमें आप अपनी मर्जी से याद करो, कैसे मर्जी याद करो, समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड रिएक्शन, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, थर्ड रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, आप मिटा दूं ऊपर वाली, रिएक्शन विद, ये थर्ड है ना, थर्ड है जी, नाइट्रस एसिड, HNO2, HNO3 होता है नाइट्रिक, HNO2 होता है नाइट्रस, बहुत अनस्टेबल है। इसको आपने पढ़ना था 13 चैप्टर में, जब आपने डाइजोनियम सॉल्ट बनाने थे, पर अब नहीं बनाएंगे, खत्म हो गया सिलेबस से। और उसकी दो रिएक्शन करेंगे, एक उसकी आइडोबेंजीन बनाने की और एक फ्लोरोबेंजीन बनाने की, क्योंकि वो मैंने 10 चैप्टर में नहीं करवाई, तो मैंने सोचा 13 में करवाएंगे, लेकिन मैंने बाद में देखा सिलेबस कट हो गया, तो वो दो रिएक्शन जरूर करवाऊंगा, बाकी कोई रिएक्शन ठीक है, वो दो रिएक्शन इसलिए करवाऊंगा, वो 10 चैप्टर में काम में आएंगे, अगर पेपर में कन्वर्जन आ गई आइडोबेंजीन बनाने की तो वहां से बना सकते हो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म यह है, सिंपल रिएक्शन है, तो इसमें लिखोगे प्राइमरी एमाइन्स react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt which is unstable and decomposes to give alcohol. प्राइमरी अमाइन जो होते हैं, प्राइमरी अमाइन कौन से, जिनके साथ NH2 ग्रुप लगा होता है उन्हें प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, जिनके साथ NH ग्रुप लगा होता है वो सेकेंडरी अमाइन, और जिनके साथ सिर्फ नाइट्रोजन लगा होता है वो टर्शियरी अमाइन। आप कार्बन चेन गिन लो ना, इसमें दो है ये सेकेंडरी, इसमें तीन है तो टर्शियरी, मैंने कौन सा बोला है प्राइमरी, तो ये वाला प्राइमरी होता है। प्राइमरी अमाइन जो होगा वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट दो तरीके बनते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट एक तो होता है बेंजीन वाला, एक बिना बेंजीन वाला। जो बिना बेंजीन वाला होगा वो एलिफेटिक, एलिफेटिक वाले अनस्टेबल होते हैं, बेंजीन वाले में क्या होता है रेजोनेंस की वजह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है, वो टिक जाती है, मैंने बोला थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, मतलब 5-6 डिग्री पे वो भी टूट जाएंगे, तो उनको अपने को रखना पड़ता है 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री पे, मैक्सिमम 8 डिग्री तक वो सही रहेंगे, 8 के बाद वो पक्का ही टूट जाएंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट इतने कम स्टेबल होते हैं एरोमेटिक वाले, एलिफेटिक वाले तो बिल्कुल ही नहीं होते क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होती। फिर जब ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट टूटेगा तो इससे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बात समझ में आ गई, रिएक्शन देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ क्योंकि इसमें मैकेनिज्म नहीं है, तो याद आप करोगे बड़े अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छा ये पॉइंट लिखा रहने देना, मैंने मिटा दिया गलती से, इसमें लिखोगे पहले सेकंड पॉइंट, नाइट्रस एसिड बीइंग अनस्टेबल फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इन सिटू कंटेनर SITU, सिटू हाँ ये कैसा,
कंटेनर होता है मिट्टी का जिसमें बनाते हैं तो नाइट्रस एसिड जो होते हैं वो अनस्टेबल होती है, मतलब आप लगेगा कि आपने सुबह रिएक्शन करनी है, जैसे मान लो मैंने अपनी शाम को करवानी थी तो मैंने कहा मैं सुबह बना के लग रहा था, मेरे पास शाम को टाइम नहीं होता, तो शाम होते होते तो ये डीकम्पोज हो जाएगा बड़ा बड़ा। जब आपने रिएक्शन करनी होती है ना उससे दो मिनट पहले इसको प्रिपेयर करते हैं हाथों हाथ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि बनाकर रख देता हूँ आधे घंटे बाद यूज करूंगा तो नहीं फायदा, टूट जाएगा। कैसे बनाते हैं इसको? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की HCl से रिएक्शन करवा देती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na के साथ आ जाएगा Cl और NO2 के साथ आ जाएगा H। तो ये हमारा नाइट्रस एसिड है, ये बनता रहता है टूटता रहता है, बनता रहता है टूटता रहता है। तो इसी मिक्सचर को आप क्या करते हैं रिएक्शन में डाल देते हैं। इस मिक्सचर का मतलब है मैंने नाइट्रस एसिड डाल दिया, रिवर्सिबल एक्टिविटी, ठीक है ना? हाँ जी, टूटता भी रहेगा रिएक्शन में, लेकिन अपने को फॉर्मेशन दिखानी तो मैंने सिंगल एरो दिया। बन गया नाइट्रस एसिड, अब रिएक्शन करवा सकते हैं। रिएक्शन करवाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ना नेगेटिव के साथ कौन आएगा, तो ये नाइट्रस एसिड है। कुल मिला के आप नाइट्रस एसिड को ये लिख सकते हो HONO, HONO, समझ में आ गया? अब देखो रिएक्शन, बड़ी इजी रिएक्शन है, RNH2 प्लस नाइट्रस एसिड आइस बाथ कंडीशंस। आइस बाथ का मतलब बर्फ वाले पानी से नहाना, तो बर्फ वाला पानी आपको कहां पे मिलेगा, बर्फ जितना ठंडा पानी 4-5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? आइस बाथ कंडीशन इसको बोलते हैं। मैं टेम्परेचर भूल गया, कितना टेम्परेचर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थियोरेटिकली लिख दो आइस बाथ कंडीशंस। टेम्परेचर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने टेम्परेचर लिखा था वही है 4-5 डिग्री, मतलब 277 केल्विन से 278 केल्विन। अगर आप भूल गए तो फिर आइस बाथ नाइट्रोजन गैस, साथ में इवोल्यूशन होती है वाटर की। तो इतना कुछ कैसे बन गया सर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में ना मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं, देखो इथाइल ग्रुप एक जगह पे, नाइट्रोजन एक जगह पे, हाइड्रोजन एक जगह पे, इस चेन को आप ऐसे तोड़ दोगे, किससे रिएक्ट करवा रहे हो, नाइट्रस एसिड से, ठीक है? जोड़ लो, क्या बना बताओ, बनाओ फिर बना, इथेनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, समझ में आ गया? और कैसे याद किया? तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी, तीन रिएक्शन हो गई, दो इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी रिएक्शन रह गई। वो बड़ी इसलिए हैं, उनमें प्राइमरी अल्कोहल भी बनेंगे, सेकेंडरी भी बनेंगे और टर्शियरी भी बनेंगे, तीनों बनेंगे।